सो गाइस फर्स्ट टाइम लॉगिन के बाद डैशबोर्ड कुछ ऐसा दिखेगा। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे प्रोफाइल सेक्शन में लेके चलता हूँ। माय प्रोफाइल में अगर क्लिक करेंगे तो आपका नेम यहाँ पे शो होंगे एंड यहाँ पे डिस्प्ले नेम, आप चाहे तो इसको इस तरह चेंज भी कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे टेकन फाइनेंस लिख देता हूँ एंड गो बटन पे क्लिक करते ही चेंज सेव्ड हो जाएगा। और ये देखिए यहाँ पे नेम शो होगा इस तरह। यहाँ पे और एक चीज़ें हैं जो मैं दिखाना चाहूँगा, चेंज पासवर्ड। अगर आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट की पासवर्ड चेंज करना चाहते हो तो इस ऑप्शन में जाके चेंज कर सकते हो। एंड यहाँ पे देखिए मोड, अगर आप चाहते हैं ये जो प्लेटफॉर्म है डार्क मोड पे चाहते हैं तो सिंपल क्लिक करके डार्क मोड एनेबल कर सकते हो। मैं अभी डे मोड पे रहने देता हूँ। एंड चार्ट जो है बाय डिफॉल्ट ट्रेडिंग व्यू ऑन है, आप अगर चार्ट IQ एक्टिव करना चाहते हैं तो सिंपल क्लिक करके एक्टिव कर सकते हो। मैं हमेशा ट्रेडिंग व्यू पसंद करता हूँ तो ट्रेडिंग व्यू रहने देते हैं। ओके, तो ये हो गया प्रोफाइल सेक्शन और अब हम चलेंगे ट्रेडिंग की ओर। ट्रेडिंग करने से पहले देखिए डैशबोर्ड पे यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं, निफ्टी बैंक यानी इंडेसेस। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो सारे इंडेसेस यहाँ पे शो होंगे, निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी बैंक, सारे इंडेसेस। और ये देखिए SGX निफ्टी भी यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो, मार्केट क्लोज हो जाने के बाद भी SGX निफ्टी को यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो, राइट। जैसे कि यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो SGX निफ्टी सबसे पहले यहाँ पे टॉप में शो होंगे। अगर आप निफ्टी 50 को रखना चाहते हैं तो सिंपल निफ्टी 50 पर क्लिक करके इस इंडेसेस को सबसे टॉप में प्लेसमेंट करा सकते हो। ओके, तो ये तो हो गया इंडेसेस के बारे में। अब हम बात करेंगे कि शेयर खरीदे कैसे, इंट्राडे में एज वेल एज डिलीवरी में। सारे चीजें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूं। तो एक बार लॉकडाउन हो जाने के बाद सबसे पहला जो चीजें हैं वो है कि हम एक वॉच लिस्ट बना के वहां पे स्टॉक्स को ऐड करें। तो वो कैसे करें, उनके लिए गाइस सबसे पहले देखिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट दो वॉच लिस्ट है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे दो वॉच लिस्ट है, एक है फास्ट वॉच लिस्ट एंड FNO। ओके, अगर आप नया वॉचलिस्ट बनना चाहते हैं तो कैसे करें, तो देखिए यहाँ पे एक सेटिंग का आइकॉन है, मैनेज का बटन, राइट, यहाँ पे क्लिक कीजिए। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे दो वॉचलिस्ट यहाँ पे ऑलरेडी है, एक नया वॉचलिस्ट बनाने के लिए प्लस साइन है, एड न्यू वॉचलिस्ट यहाँ पे क्लिक कीजिए। तो चलिए मैं एक नाम दे देता हूँ, इंट्राडे स्टॉक्स, इट्स ओके। और दूसरा और एक बना लेते हैं डिलीवरी इन्वेस्टिंग। यहाँ पे देखिए 16 लेटर मैक्स है, इससे ज्यादा नहीं होगा, सो डिलीवरी में रहने देता हूँ। ओके, 16 लेटर मैक्स। ओके, ये मैंने यहाँ पे दो वॉचलिस्ट बना चुका हूँ, इंट्राडे स्टॉक्स एंड डिलीवरी। अगर आप इसको अप एंड डाउन करना चाहते हैं लाइक दिस, अरेंज करना चाहते हैं तो इस तरह आप कर सकते हो, एंड देन क्लोज मैनेज पे क्लिक कर दीजिए तो ये वॉचलिस्ट यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पर भी दिखा रहा है देखिए सारे वॉचलिस्ट, इंट्राडे स्टॉक्स डिलीवरी। ओके, तो देखिए कि मुझे यहाँ पे डिलीवरी के लिए एक स्टॉक्स उठाना है। मान लीजिए मैं PNB बैंक, पंजाब नेशनल बैंक को मैं ऐड करना चाहूंगा इस वॉच लिस्ट में डिलीवरी में। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक सर्च बॉक्स है, यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद क्या कर टाइप करना है, पंजाब, ये देखिए पंजाब नेशनल बैंक NSE। हमारे इंडिया की दो एक्सचेंज है, एक NSE एक BSE। तो NSE एक्सचेंज का शेयर PNB हम ऐड करेंगे, तो एक्सचेंज को नजर रखते हुए ऐड आइकॉन पर, ऐड बटन पर क्लिक करना है। तो देखिए डिलीवरी में यहाँ पे ऐड हो गया। एज वेल एज अगर मैं यहाँ पे सिप्ला को ऐड करूँ तो देखिए NSE का स्टॉक्स लाइक दिस यहाँ पे ऐड हो गया। अगर मान लीजिए इंट्राडे स्टॉक्स, इस वॉचलिस्ट में मैं निफ्टी का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऐड करूंगा, तो निफ्टी फ्यूचर देखिए दिसंबर फ्यूचर, जनवरी एंड फरवरी, तो करंट मंथ की फ्यूचर मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। अगर मुझे बैंक निफ्टी का FNO कॉन्ट्रैक्ट को ऐड करना है, बैंक निफ्टी अभी क्या चल रहा है प्राइस यहाँ पे देख पाएंगे हम, बैंक निफ्टी 908, 43,900 कॉल को हम ऐड करेंगे। जैसे ही हमने 43,900 लिखा तो बैंक निफ्टी 15 दिसंबर एक्सपायरी है एंड एक कॉल आ गया है, तो यहाँ पे देखिए कॉल को ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे क्लिक करके पुट को भी ऐड कर लेते हैं, प्राइस यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, तो इस तरह आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। ओके, अगर आप मान लीजिए कि यहाँ पे इसको निफ्टी डिसम्बर फ्यूचर को ऊपर में लेके आना चाहते हो तो कैसे करेंगे, तो फिर से आपको यहाँ पे मैनेज आइकॉन पे क्लिक करना है, एंड देन हम इंट्राडे स्टॉक्स में थे तो व्यू बटन पे क्लिक कीजिए, एंड देन ये देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह निफ्टी डिसम्बर फ्यूचर को हम ऊपर में लेके आ गया, एंड क्लोज मैनेज पे क्लिक कर दीजिए, ये ऊपर में आ गया है। ओके, अगर आपको किसी कॉन्ट्रैक्ट को डिलीट करना है, जैसे कि मान लीजिए मुझे पुट को डिलीट करना है बैंक निफ्टी में, क्या करना है, ये देखिए डिलीट हो गया। ओके, सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गए होंगे कि वॉच लिस्ट कैसे बनाते हैं, कैसे इसको ओपन करके वहाँ पे स्टॉक्स को ऐड करते हैं। तो हमने डिलीवरी के लिए पंजाब नेशनल बैंक का शेयर हमने ऐड कर लिया, तो इसका जो प्राइस है 58.75 अभी LTP है, और आज के दिन का चेंज यानी आज 65 पैसा इंक्रीज हुआ है कल की क्लोजिंग प्राइस से, एंड परसेंटेज के अकॉर्डिंग 1.03%, एंड यहाँ पे वॉल्यूम दिखा रहे हैं।
तो सिंपल गाइस, इनको बाय करने से पहले अगर आप इनकी चार्ट के बारे में देखना चाहते हैं तो ये देखिए चार्ट है, यहाँ पे क्लिक करके इसकी चार्ट ओपन कर सकते हो लाइक दिस राइट। यहाँ पे टाइम फ्रेम है, ये डेट टाइम फ्रेम में है, अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर आपको देखना है ये देख सकते हैं। फुल चार्ट ओपन करना है, यहाँ पे क्लिक करके ये देख सकते हैं फुल चार्ट यहाँ पे ओपन हो गया। अभी फिलहाल डिलीवरी के लिए इनको परचेस करेंगे तो इनका जो एक शेयर का प्राइस है 58.75 रुपीस, ठीक है। तो हमारे पास तो अभी भी फंड्स ऐड नहीं किया है, तो चलिए सबसे पहले फंड्स ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे जो मनी आइकन है ये देख सकते हैं मनी, यहाँ पे क्लिक करना है। तो क्लिक करके मैं फंड्स ऐड कर लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आप अपने हिसाब से जितना फंड्स ऐड करना चाहते हैं, 50,000, 20,000 जो भी ऐड करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे डालना है। जैसे कि मैं अभी 2,000 आपके सामने ऐड करके दिखाने वाला हूँ, तो 2,000 अमाउंट मैंने डाल दिया। अब करना है ऐड मनी फॉर इन्वेस्टिंग, यहाँ पे क्लिक। यहाँ पे पेमेंट मेथड है कि नेट बैंकिंग या UPI, दोनों फ्री है, दोनों में भी कोई चार्जेस नहीं है, दोनों फ्री है। अगर अनदर ब्रोकर की बात करें तो UPI फ्री है, नेट बैंकिंग के लिए 7 रुपीज़ पर ट्रांजेक्शन के आसपास चार्ज करते हैं। तो यहाँ पे मैं UPI के थ्रू ही पेमेंट करूंगा, फोन पे एप्लीकेशन है उनके थ्रू पेमेंट करूंगा। लेकिन ये UPI एड्रेस जो बैंक अकाउंट आपने रजिस्टर किया है उनका होना चाहिए, उनके साथ लिंक्ड होना चाहिए राइट। तो सिंपली मैं यहाँ पे UPI एड्रेस पुट कर देता हूँ। तो देखिए मैंने UPI एड्रेस डाल दिया, नाउ लेट मी क्लिक एड मनी टू अकाउंट। जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ यहाँ पे टाइम लेगा और ये देख सकते हैं मुझे मेरा जो UPI एप्लीकेशन है यहाँ पे मुझे नोटिफिकेशन मिल चुके हैं। तो यहाँ पे मैं UPI पिन डाल के पेमेंट कर देता हूँ। ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पे UPI पिन भी डाल दिया एंड ये हो गया पेमेंट। तो ये देख सकते हैं पेमेंट इज सक्सेसफुल, 2,000 रुपीज भाया UPI। ये देख सकते हैं ट्रांजेक्शन डिटेल्स, स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हो एंड गो टू होम बटन पे क्लिक कर दीजिए। और अभी यहाँ पे मनी सेक्शन में दिखेगा मार्जिन अवेलेबल 2,000, पहले 0 था, अभी मार्जिन अवेलेबल 2,000। तो चलिए होम बटन पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे डिलीवरी वॉच लिस्ट पे जाके जो स्टॉक्स हमने वॉच लिस्ट में ऐड किए हैं अब हम इनको परचेस करेंगे डिलीवरी के लिए। डिलीवरी मतलब आज खरीद के आज इसको बेचना नहीं है, इनको होल्ड करने वाला हूँ, हो सकता है 2 वीक्स बाद बेचे या 10 ईयर्स बाद भी हम बेच सकते हैं। तो ये शेयर खरीदने के बाद 2 दिन टाइम लगेगा और 2 दिन के अंदर ही हमारे डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पे बाय बटन पे क्लिक करते हैं तो ऑर्डर विंडो इस तरह ओपन हो गया। पंजाब नेशनल बैंक हम बाय कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, चाहे तो आप यहाँ पे इन्वेस्टिंग भी आप लगा सकते हो, ठीक है, इन्वेस्टिंग, क्योंकि हम डिलीवरी के लिए खरीद रहे हैं। एंड क्वांटिटी एक ही क्वांटिटी, आप अगर 100 क्वांटिटी लेना है तो ये भी दे सकते हैं। कितना रुपीस लग रहे हैं यहाँ पे, 5,800 समथिंग लगेगा 100 क्वांटिटी में, लेकिन हमारे पास अभी 2,000 क्वांटिटी अवेलेबल है। सो अभी जस्ट मैं डेमो के लिए दिखा रहा हूँ, तो 1 क्वांटिटी यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ एंड लगेगा मार्जिन रिकॉर्ड 58.72, ठीक है। देखिए ऑर्डर टाइप मार्केट है, लिमिट है, ट्रिगर है। तो यहाँ पे मार्केट मतलब मार्केट में जो भी प्राइस चल रहा है, अभी 58.65 चल रहा है, तो उस प्राइस में अगर आप बाई करना चाहते हैं तो आप मार्केट को सिलेक्ट कीजिए। अगर आपको लगता नहीं यहाँ पे 58.70 चल रहा है लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जॉब 58.60 आ जाए तो अब मैं परचेस करूंगा, तो इस तरह आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। लिमिट ऑर्डर ट्रिगर जो होता है इनको आप इग्नोर कीजिए, ये हम इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे, इंट्राडे ट्रेडिंग करने के वक्त मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो अभी क्या है ना ये लिमिट एंड मार्केट, सबसे पहले अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीद रहे हो तो मार्केट को सिलेक्ट करके इंस्टेंट परचेस कर लीजिए, ये सबसे बेहतर है। ओके, तो मार्केट प्राइस अभी क्या चल रहा है, 58.65 चल रहा है। ओके, तो मार्केट कर दिया तो कोई प्राइस यहाँ पे डालने की जरूरत नहीं है। ओके, एंड अगर आप चाहते हैं कि हमेशा मार्केट ऑर्डर ही सिलेक्ट रहे तो सेट एज डिफॉल्ट ऑर्डर टाइप, ये जो बॉक्स है इनको भी टिक कर सकते हो, ठीक है। हालांकि मैं अभी टिक नहीं कर रहा हूँ एंड बाय ऑर्डर विंडो पे क्लिक करते हैं, सेंडिंग ऑर्डर टू एक्सचेंज। ओके, ऑर्डर सेंड हो गया, बाय 1 क्वांटिटी PNB पंजाब नेशनल बैंक। हमको कहाँ पे दिखेगा, देखिए पोजिशंस पे यहाँ पे दिखा रहा है कि एक पोजिशंस है, देख सकते हैं PNL दिखा रहा है, ट्रेड वैल्यू, ओपन क्लोज, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। तो एक पोजीशंस है जो कि पंजाब नेशनल बैंक एंड 1 क्वांटिटी, एवरेज प्राइस 58.70। सो इनको मैं अभी सेल नहीं करने वाला हूँ, अभी मैं इसको होल्ड करके 1 या 2 दिन के बाद इनको मैं सेल करके भी दिखाऊंगा कि सेल कैसे करते हैं। तो डिलीवरी के लिए शेयर कैसे खरीदना है वो तो मैंने दिखा दिया। अगर आपको ट्रैक करना है ना, आज आपने खरीद लिया और आप इनको होल्ड करने वाले 10 साल के लिए, कभी भी आप लॉगिन कर लीजिए, जैसे मैंने लॉगिन किया मोबाइल नंबर एंड OTP के थ्रू लॉगिन कर लीजिए पासवर्ड या पिन डाल के। लॉग्ड इन हो जाने के बाद आपको देखिए होम पेज पर ही दिखेगा कि आज की जो टुडेज पोजीशंस है, और कल से यहाँ पे दिखाएगा ये पोर्टफोलियो वैल्यू, इन्वेस्टमेंट जितना हुआ ना पोर्टफोलियो में दिखेगा, यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा कल से।
और आज ये टूडेज पोजिशन, आज हम जितना ट्रांजेक्शन करेंगे यहाँ पे दिखाएगा। अगर आपको ओनली पोजिशन स्टेप देखना है तो सिंपल देखिए ये पोजिशन पे क्लिक कर लीजिए तो आपको दिखेगा यहाँ पे कितना PNL है, PNL 0, क्योंकि हम जहाँ पे एंट्री लिए थे 58.70 वहाँ पे ट्रेड करता हुआ। सो इस तरह आप डिलीवरी के लिए शेयर खरीद सकते हो, कैसे बेचना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा बाद में। ओके, अभी चलते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग की ओर। इंट्राडे ट्रेडिंग किसे कहते हैं? इंट्राडे मतलब एक ही दिन के अंदर बाई करना है, सेल भी करना है, तब उसको कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। यहाँ पे एक चीजें हैं कि जब हम डिलीवरी करते हैं ना, यहाँ पे देखिए इन्वेस्टिंग करते हैं तो कोई भी मार्जिन नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम ये इन्वेस्टिंग सिलेक्ट किए हैं एंड आज के दिन इनको स्कैरअप नहीं करेंगे, कोई भी मार्जिन नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर हम ट्रेडिंग करेंगे 5 times लिवरेज मिल रहा है, ओनली 11 rupees में एक शेयर हम पंजाब नेशनल बैंक का खरीद सकता हूँ और एक ही दिन के अंदर इसको स्कैरअप भी करना होगा। अगर आप स्कैरअप नहीं करेंगे तो ब्रोकर 330 में जो भी प्राइस चलेगा इस स्टॉक का स्कैरअप कर देंगे, पोजीशंस कैरी आप नहीं कर सकते क्योंकि आपने ट्रेडिंग सिलेक्ट किया है। ओके, तो डिलीवरी के लिए इन्वेस्टिंग सिलेक्ट करना है और इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए सिंपली ट्रेडिंग मोड को सिलेक्ट कीजिए तो आपको 5 times लिवरेज मिलते हैं यहाँ पे। तो चलिए अब हम इंट्राडे ट्रेडिंग करके देखते हैं। तो इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब एक ही दिन के अंदर बाय करके उनको सेल करना होता है। तो चलिए इंट्राडे के लिए मैंने यहाँ पे इंट्राडे ऑप्शन ओपन किया एंड एक स्टॉक्स को ऐड करना है मुझे, जैसे कि मान लीजिए मुझे ऐड करना है ICICI बैंक NSE का, एंड फिर से ऐड कर लिया तो ये देख सकते हैं ICICI बैंक यहाँ पे ऐड हो गया। ओके, कितना प्राइस चल रहा है? 930 चल रहा है। वॉच लिस्ट से बाय कैसे करें? वॉच लिस्ट में स्टॉक्स ऐड किया एंड बाय यहाँ से हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वांटिटी में यहाँ पे भी बाय करके दिखाता हूँ कितना प्राइस लगेगा। प्राइस तो 930 लेकिन 5 times लिवरेज मिल रहा है, 186 rupees ओनली लगेगा। ओके, अभी भी हमारे पास मार्जिन अवेलेबल है 1941। लिमिट देते हैं, लिमिट जैसे ही हमने सिलेक्ट किया यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑर्डर टाइप है इंट्राडे के लिए, कवर ऑर्डर भी है, ब्रैकेट ऑर्डर भी है। ओके, ये सारे ऑर्डर टाइप के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहला ऑर्डर टाइप है मार्केट जो हमने इन्वेस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया। मार्केट मतलब मार्केट में जो भी प्राइस चल रहा है उस प्राइस में इंस्टेंट बाय करने के लिए इस ऑर्डर को इस्तेमाल कर सकते। नेक्स्ट जो है लिमिट। लिमिट क्या है? लिमिट में एक प्राइस मेंशन करना पड़ेगा, उनको कहते हैं लिमिट। तो चलिए इस ऑर्डर में हम लिमिट ऑर्डर को इस्तेमाल करते हैं। 930 है तो हम इस्तेमाल करेंगे कि 930, अभी 930.20 चल रहा है तो 930 हमने लगाया एंड इनको बाय प्लेस कर देते हैं यहां से। तो ऑर्डर स्टेप पे जाना पड़ेगा, देखिए ऑर्डर स्टेप में क्या दिखा रहा है, पेंडिंग ऑर्डर्स, एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स। आज के दिन PNB में हमने डिलीवरी के लिए शेयर खरीदे थे, यहाँ पे एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स में दिखा रहा है। और ये देखिए जो पेंडिंग ऑर्डर थे वो एग्जीक्यूट हो चुका है और एग्जीक्यूशन प्राइस है 930 और अभी LTP 30 के नीचे है, दैट्स मीन हम लॉस में है। ओके, लेट मी शो यू, पोजीशन टैब में सब दिखेगा, दो पोजीशंस है इसलिए दो दिखा रहा है। एंड देखिए 20 पैसा यहाँ पे हमारा लॉस में है और यहाँ पे पंजाब में 10 पैसा प्रॉफिट में है। ओके, तो इस तरह जैसे ये LTP बढ़ेगा यानी हमारी जो भी बाइंग प्राइस है उससे ऊपर आ जाएगा तब हमारा प्रॉफिट होंगे और हमारा जो भी बाइंग प्राइस है उससे नीचे आ जाएगा तब हमारा लॉस होना स्टार्ट होगा। एंड ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस दिखा रहे, देखिए यहाँ पे 20 पैसा प्रॉफिट में है तो 30 पैसा प्रॉफिट में आ गया। तो इस तरह यहाँ पे फ्लैक्चुएट होता रहेगा। ट्रेड वैल्यू टोटल 988 rupees। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। तो बाइंग आप लिमिट ऑर्डर के थ्रू वॉच लिस्ट से कैसे कर सकते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। अब हम बात करेंगे चार्ट के थ्रू कैसे बाय करें। देखिए यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू तो बाद में आते हैं, यहाँ पे है चार्ट, चार्ट को यहाँ पे ओपन करिए। तो ये देखिए चार्ट यहाँ पे ओपन हो गया और एक पोजीशन सामने लिया था तो उनकी PNL दिखा रहे हैं यहाँ पे चार्ट के ऊपर, यार हमारे एंट्री प्राइस भी दिखा रहे हैं, 930 में हमने एंट्री लिए थे एंड अभी जा रहे हैं। तो ये देख सकते हैं ये चीज़ें आपको मिल जाते हैं धन में कि कहाँ पे आप एंट्री लिए है, कहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए, कहाँ तो टारगेट है, वो सारे चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हो चार्ट के ऊपर ही। अगर आप एक अलग विंडो पे इस चार्ट को देखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके नया विंडो ओपन कर सकते हो। ये ICICI बैंक का चार्ट है। अभी मान लीजिए कि वॉचलिस्ट में मैं और एक स्टॉक्स को ऐड करता हूँ कि इन्फोसिस। ओके, INF जैसे टाइप किए तो इन्फोसिस NSE का स्टॉक्स है एंड ऐड कर लेते हैं। ठीक है, इनको मैं चार्ट के ऊपर बाय करके दिखाऊंगा। 1554 के आसपास चल रहा है तो लेट मी ओपन द चार्ट, चार्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इस तरह आप एक नया विंडो से ओपन कर सकते हो इन्फोसिस को। अभी क्या है, मान लीजिए कि आज जैसे ही ओपन हुआ रैली देखने को मिल रहा है, एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। ठीक है, चार्ट के ऊपर आप एनालिसिस कर सकते हो तो आप यहाँ पे एंट्री लेना चाहते हैं। ठीक है, इस पॉइंट पे एंट्री लेना चाहते हैं, यहाँ पे जो प्लस साइन है ना यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिखा रहा है सेल 1 इन्फोसिस, बाय 1 इन्फोसिस
यहाँ पे अगर बाय करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑर्डर विंडो यहाँ पे ओपन हो जाएगा चार्ट के ऊपर ही। तो ये एक सिस्टम है चार्ट के ऊपर बाय करने के लिए। या फिर यहाँ पे देखिए LTP दिखा रहा है, अगर आपको बाय करना है तो सिंपल यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो तो ऑर्डर विंडो इस तरह ओपन हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे प्लस साइन पे क्लिक करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे प्लस आइकन है, तो चलिए यहाँ पे क्लिक करेंगे बाय करना इन्फोसिस। तो देखिए ऑर्डर विंडो ओपन हो चुका है। यहाँ पे मार्केट ऑर्डर में बाय करना है यानी जो भी प्राइस चल रहा है उस प्राइस में बाय करना है, या लिमिट में, या स्टॉप लिमिट में। चलिए मैं लिमिट पे बाय करके दिखाता हूँ। प्राइस क्या चल रहा है अभी, 1554.95 चल रहा है। लिमिट मैंने सिलेक्ट किया, दैट्स वाई एक प्राइस मेंशन करना होगा। मान लीजिए 1554 में हम परचेस करना चाहते हैं तो प्राइस दे दिया, क्वांटिटी एक ही रहने देते हैं। और ये देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी चीज, यहाँ पे प्रोडक्ट में इंट्राडे या डिलीवरी, हम इंट्राडे में करेंगे तो इंट्राडे सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे क्या बेनिफिट है, यहाँ पे आप एक साथ स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो, टारगेट भी लगा सकते हो, सारी चीजें लगा सकते हो। मान लीजिए दो क्वांटिटी कर देते हैं, ठीक है, ओके। एंड यहाँ पे टेक प्रॉफिट, अगर चाहे तो आप यहाँ पे इस तरह की ऑर्डर लगा सकते हो। तो जैसे देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा लिमिट ऑर्डर लगा दे, 1553 में लगा देता हूँ 2 units, एंड बाय ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। तो चार्ट के ऊपर यहाँ पे देखिए दिखा रहा है कि दो बाय लिमिट ऑर्डर इस पॉइंट पे लगा हुआ है, चार्ट के ऊपर ही आप देख सकते हो, ओके। ऑर्डर सबमिटेड सक्सेसफुली। अगर मान लीजिए कि नहीं यहाँ पे इस पॉइंट पे बाय करना है, जस्ट ड्रैग करके यहाँ पे छोड़ दीजिए, इस तरह ऑर्डर बुक ओपन हो जाएगा। मॉडिफाई बटन पे क्लिक कर दीजिए तो ये मॉडिफाई हो जाएगा। कौन सी प्राइस में, 1551 में हमारा अभी लिमिट ऑर्डर प्लेस हो चुका है। तो गाइस इस तरह आप चार्ट के ऊपर ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। कैंसिल कैसे करना है, मान लीजिए ऑर्डर आपने लिमिट ऑर्डर प्लेस किया था और उनको कैंसिल करना है तो कैसे करेंगे, तो सिंपल देखिए यहाँ पे एक क्रॉस साइन है, कैंसिल बटन पे क्लिक कीजिए। आर यू श्योर यू वांट टू कैंसिल ऑर्डर, यस बटन पे क्लिक कर दीजिए तो ये कैंसिल हो जाएगा, ऑर्डर कैंसिल कन्फर्म्ड, ओके। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रहे होंगे। नाउ मैं आपको फिर प्लेस करके दिखाता हूँ। अभी जो भी प्राइस चल रहा है यहाँ पे LTP है, मान लीजिए मुझे बाय करना है तो यहाँ पे लिमिट ऑर्डर में बाय करूंगा, दो क्वांटिटी बाय करेंगे 1554 में, ओके। ये तो हो गया लिमिट। प्रॉफिट भी मान लीजिए इस पॉइंट पे प्रॉफिट रखना चाहता हूँ, एक इम्पोर्टेंट स्विंग हाई है 1564, सो 1564 हमारा प्रॉफिट है, ओके। और स्टॉप लॉस भी हम रखना चाहते हैं कि इस कैंडल के लो नीचे के जैसे ही ट्रेड करे 1548, ये हो जाएगा हमारा स्टॉप लॉस, ठीक है। तो स्टॉप लॉस भी हमने मेंशन कर दिया एंड टारगेट भी मेंशन कर दिया, टारगेट यहाँ तक एंड स्टॉप लॉस यहाँ तक, ठीक है। एक साथ सारी चीजें आप भर सकते हो एंड देन यहाँ पे कर दीजिए ऑर्डर प्लेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑर्डर प्लेस हो चुका है, अभी भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। अगर आप यहाँ पे भी आए और ऑर्डर सेक्शन में यहाँ पे देखे तो यहाँ पे इन्फोसिस में जो ऑर्डर हमने लगाया वो दिखा रहा है। यहाँ देखिए एक ऑर्डर हमने कैंसिल किए थे, कैंसिल ऑर्डर दिखा रहे हैं एग्जीक्यूट ऑर्डर में, और अभी भी ये ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, यानी लिमिट जो ऑर्डर एंट्री ऑर्डर जो है अभी भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। इसको मॉडिफाई करना है तो सिंपल यहाँ पे राइट क्लिक करके मॉडिफाई बटन पे क्लिक कर दीजिए, और अभी प्राइस है 1554.50 और हमारा एंट्री कहाँ पे है 1554.54। सो चलिए इसको 50 कर देते हैं एग्जीक्यूट कराने के लिए, और ये देखिए जैसे ही मॉडिफाई किया तो एग्जीक्यूट हो गया, ओके। एंड चार्ट के ऊपर ही आप देख सकते हो कि यहाँ पे दो क्वांटिटी हमने परचेस कर लिया, यहाँ पे सेल लिमिट है यानी टारगेट है, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस है, और यहाँ पे जो भी प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है वो यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो पोजिशन टैब में, और यहाँ पे भी पोजिशंस में दिखा सकते हैं। ओवरऑल PNL अभी भी हमारा पॉजिटिव में है। अभी की इन्फोसिस में दो स्टॉक्स जो हमने परचेस की वहाँ पे ₹1 के अप्रॉक्स 1 rupees यहाँ पे लॉसेस दिखा रहा है, ओके। अगर कभी भी मान लीजिए कि स्टॉप लॉस को यहाँ पे रखना है मॉडिफाई करना है, तो सिंपल देखिए कितना आसान है, चार्ट को देखते हो आप ट्रेड कर सकते हो। आगे ऑर्डर बुक हमें मॉडिफाई बटन में क्लिक कर दीजिए तो ये मॉडिफाई हो जाएगा। मान लीजिए टारगेट को भी मैं इस पॉइंट पर रखना चाहता हूँ तो ऑर्डर यहाँ पे ओपन हो गया, और इस तरह मॉडिफाई के बटन पर क्लिक कर दीजिए तो मॉडिफाई हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि ये तो सही है, स्टॉप लॉस एंड टारगेट ऑर्डर को कैसे प्लेस करते हैं इंट्राडे में, सारी चीज़ें मैंने आपको चार्ट के ऊपर ही करके दिखाया। मान लीजिए कि टारगेट भी हिट नहीं हुआ है एंड स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ है और आपको इंस्टेंट एग्जिट होना है तो कैसे करें? तो ऐसे पॉइंट में आपको यहाँ पे क्लिक करके सेल नहीं करना है, क्लोज नहीं करना है। तो कैसे क्लोज कर सकते हो, अभी देखिए 2 rupees के आसपास प्रॉफिट हो रहा था, ओके। यहाँ पे देखिए 3-4 rupees की प्रॉफिट हो रहा है आज के दिन, ओके। जस्ट एक एक क्वांटिटी के साथ मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो सेल करने के लिए आपको ऑर्डर बुक में जाना पड़ेगा। ऑर्डर बुक में देखिए पेंडिंग ऑर्डर है, यहाँ पे भी आपको दिखा रहा है कि BOCO कहाँ पे है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे जाके कैंसिल कर दीजिए। अगर आपको निकलना है, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है, तो सिंपल यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए एंड कैंसिल सिलेक्टेड ऑर्डर्स पे क्लिक कीजिए। एंड आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट ऑल सिलेक्टेड ऑर्डर,
ये देखिए ऑर्डर कैंसिल हो गया, अभी पेंडिंग में कोई ऑर्डर नहीं है। एंड अगर यहाँ पे देखे तो देखिए पोजीशंस भी स्क्वायर अप हो गई। जैसे हमने टारगेट एंड स्टॉप लॉस ऑर्डर दोनों को एग्जिट किया तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा पोजीशंस भी एग्जिट हो गया, पोजीशन से भी हम निकल गए। ठीक है, इन्फोसिस देखिए क्लोज्ड पोजीशंस में आ चुका है। ठीक है, ये देख सकते हैं दो क्वांटिटी हमने बाय किए थे 1554.45 एंड सेल किया है 1555.05, सो 1.20 हमारा यहाँ पे प्रॉफिट है। सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि चार्ट में कैसे आप ट्रेडिंग कर सकते हो इंट्राडे ट्रेडिंग धन की प्लेटफॉर्म के थ्रू। अगर आपने अभी तक अकाउंट ओपन नहीं किए तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, बिल्कुल फ्री में अकाउंट ओपन कर सकते हो घर बैठे, तो जरूर चेक करें। अभी देखिए आईसीआईसीआई बैंक का जो हमने इंट्राडे में पोजीशंस बनाया था यहाँ पे, यहाँ पर भी 3 रुपीज़ की प्रॉफिट दे रहा है। ठीक है, एक क्वांटिटी ओनली हमने परचेस किया था, अगर कुछ और क्वांटिटी ऐड करना है तो यहाँ पे प्लस साइन पे क्लिक करके एक क्वांटिटी प्राइस देखिए मार्केट भी सिलेक्ट कर सकता हूँ या लिमिट मार्केट करके देखिए और एक क्वांटिटी बाई कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे बाई हो चुका है, एक क्वांटिटी से दो क्वांटिटी यहाँ पे आ जाएगा, क्वांटिटी दो हो गया। ओके, तो इस तरह एग्जीक्यूटेड ऑर्डर में दिखाएगा कि ऑन क्वांटिटी जो भी ऑर्डर कैंसिल जितना हुआ है ऑर्डर वो दिखाएगा, यहाँ पे सक्सेस जितना हुआ है वो चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगे कि इंट्राडे में बाइंग एंड एग्जिट कैसे करें। तो देखिए ये तो मैंने एंट्री लिया था, अगर मुझे यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है कि एंट्री तो मैंने ले लिया और स्टॉप लॉस नहीं लगाया, स्टॉप लॉस लगाना है तो कैसे लगाए, ये जो स्क्वायर ऑफ बटन है ना यहाँ पे क्लिक कर दीजिए तो सेल का ऑर्डर विंडो ओपन हो जाएगा। देखिए सेलिंग साइड सिलेक्टेड है, ट्रेडिंग दो क्वांटिटी में हम स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाएंगे। ओके, तो लिमिट हमने क्लिक किया एंड अब हम यहाँ पे ट्रिगर प्राइस को सिलेक्ट करेंगे, लिमिट प्राइस देंगे, यानी जो प्राइस हमारा स्टॉप लॉस प्राइस है वो प्राइस यहाँ पे मेंशन करेंगे। मान लीजिए अभी 232 चल रहा है एंड 928 हमारा स्टॉप लॉस है एंड ट्रिगर प्राइस थोड़ा ऊपर देना हो, जो भी प्राइस हमने मेंशन किए हैं 928 इसके थोड़ा ऊपर देना होगा, यानी मार्केट प्राइस यानी ये जो LTP है ना ये प्राइस पहले ट्रिगर होना होगा एंड देन ये लिमिट को टच करना होगा, पहले ट्रिगर दबाना पड़ता है शूट करने से पहले। ठीक है, सो दैट्स व्हाई ट्रिगर प्राइस को पहले टच होना चाहिए। सो 928.30 दे देते हैं, तो ये इसको पहले टच करेगा देन हमारा स्टॉप लॉस को जैसे ही टच करे तो हम लॉस बुक करके एग्जिट हो जाएंगे। ओके, तो ही हो गया एंड अभी करना है सेल। तो सेल ऑर्डर सेंड टू एक्सचेंज, ऑर्डर्स बुक में जाइए एंड यहाँ पे दिखेगा पेंडिंग ऑर्डर्स में, क्योंकि ये स्टॉप लॉस ऑर्डर है, ये देखिए ऑर्डर टाइप SL एंड अभी भी पेंडिंग है। ओके, सो 928.30 हमारा ट्रिगर प्राइस है, जैसे ही इस ट्रिगर को टच करेगा तो ये जो ऑर्डर है ये ऑर्डर एक्टिवेट हो जाएगा और जैसे ही मार्केट प्राइस 928 को टच करेगा तो हम लॉस बुक करके पोजीशन से एग्जिट हो जाएंगे। सिंपल, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गए होंगे कि स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस कैसे करें पोजीशंस बनाने से पहले। लेकिन मान लीजिए आपने पोजीशंस बनाया और आप इंस्टेंट एग्जिट होना चाहते हैं तो कैसे करें, सिंपल यहाँ पे ये देखिए स्केयर अप कर दीजिए एंड सेल ऑर्डर विंडो ओपन हो गया एंड सेल कर देता हूँ मैं दो स्टॉक से। ओके, अभी पोजीशन स्टेप में देखिए ओनली PNB का है और ये डिलीवरी के लिए हमने खरीदे हैं, आज इनको स्केयर अप नहीं करेंगे। और ICICI बैंक का दो स्टॉक्स यहाँ पे एग्जिट हो गया, 931 पे हमने खरीदा था और 932.45 में हमने बेच दिया तो 2.26 की प्रॉफिट हुआ है, 2.26 रुपीज़ की हमको प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, यहाँ पे स्केयर अप करने के बाद ही आपको एक चीज़ ध्यान देना है, इनके लिए हमने स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाया था, जब पोजीशन ही नहीं है तो स्टॉप लॉस ऑर्डर की क्या काम है, तो इंस्टेंट आपको ये ऑर्डर को कैंसिल करना होगा। ठीक है, ये बात ये आपके ध्यान में होना चाहिए। तो देखिए मैंने जो स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाया था ICICI बैंक के लिए वो भी यहाँ से हटा दिया, कैंसिल कर दिया। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रहे होंगे। ओके, सो PNL लगा देखिए 3.61 आज का ये प्रॉफिट है। ओके, सो यहाँ पे पोजीशन टैब में हमेशा दिखाते हैं, तो मनी टैब के बारे में फंड्स ऐड एंड विदड्रॉ भी करके दिखाएंगे हम कल। ओके, फंड्स ऐड हमने देख लिया, वॉच लिस्ट ऐड करके डिलीवरी के लिए शेयर कैसे खरीदते हैं, इंट्राडे के लिए कैसे खरीदते हैं, चार्ट के ऊपर कैसे ऑर्डर प्लेस करना है, टारगेट कहाँ पे रखना है, मॉडिफाई कैसे करना है, सारे चीज़ें हमने देख लिया। ओके, अब हम और एक चीज़ें देखने वाले हैं, वो है कि ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म में हम कैसे ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ, लॉग आउट करने के लिए सिंपल यहाँ पे जाके अभी लॉग आउट हो जाएगा। ओके, इसको क्लोज कर देते हैं और ये ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म है, इसका प्रीमियम भाषण आपको फ्री में मिल जाते हैं और यहाँ पे आप ट्रेडिंग भी कर सकते हो इसकी चार्ट में। लेट मी शो यू, मान लीजिए मैं एक स्टॉक्स को ऐड करता हूँ, जैसे मान लीजिए HDFC बैंक,
एचडीएफसी बैंक को हमने यहाँ पे कर लिया है ऐड। ओके दैट्स ग्रेट। प्राइस क्या चल रहा है? 1653 के आसपास चल रहा है एनएसई का स्टॉक्स है। ओके अभी मैं इसमें पार्चेस करना चाहता हूँ, तो देखिए ट्रेडिंग पैनल है, ट्रेडिंग पैनल में जाके सबसे पहले धन के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए पहले कनेक्ट कर लेते हैं, लॉग इन कर लेते हैं एक बार। लॉग इन करने के लिए सेम प्रोसेस है, यहाँ पे ये जो QR दबाएंगे, मोबाइल नंबर देंगे एंड देन पासवर्ड। जैसे आप लॉग इन करेंगे तो यह एक OTP जाएगा रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर पे। तो देखिए OTP डालते ही ये कनेक्ट हो गया है एंड लॉग इन कर लिया है। इसका जो पोजीशन है ना वो यहाँ पे दिखा रहा है, अकाउंट हमारी ओपनिंग बैलेंस ये यहाँ पे दिखा रहे हैं एंड पोजीशंस अभी जो एक्टिव पोजीशंस है वो यहाँ पे दिखाएगा। एंड रियलाइज्ड PNL देख सकते हैं 3.46। रियलाइज्ड PNL मतलब जो पोजीशन से हम एग्जिट होने के बाद जो प्रॉफिट है ना वो ये। एंड ओवरऑल PNL 3.71 जो अभी तक एग्जिट नहीं किया है, ये जो प्रॉफिट हो रहा है ना ये अभी हमने एग्जिट नहीं किया है, तो दैट्स व्हाई यहाँ पे ओवरऑल बोल रहा है और ये रियलाइज्ड है 3.46। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट राइट। सो यहाँ पे कैसे ट्रेड कर सकता हूँ? सिंपली जैसे हमने लॉग इन किया ना तो यहाँ पे देखिए सेम चार्ट ओपन हो गया। एक मान लीजिए हम यहाँ पे सेल करेंगे, एक क्वांटिटी हम यहाँ पे सेल करेंगे, देख सकते हैं प्लस साइन पे जैसे क्लिक करेंगे सेल ऑर्डर विंडो यहाँ पे आ चुका है, या फिर अभी जो करंट प्राइस है वो तो यहाँ पे दिखाई रहा है। ठीक है, तो चलिए सेल कर देते हैं वन लॉट, यानी वन क्वांटिटी है तो फ्यूचर नहीं है, तो ये क्वांटिटी है। एंड टाइम इन फोर्स ये IOC कर देते हैं या डे भी रख सकते हो, डे मान लीजिए। एंड प्रोडक्ट टाइप इंट्राडे एंड सेल, ये मार्केट में है, मार्केट में जो भी प्राइस चल रहा है उस प्राइस में हम सेल करना चाहते हैं। अगर लिमिट देंगे तो एक प्राइस मेंशन करना होगा, तो चलिए मैं मार्केट में ही कर लेता हूँ एंड सेल कर देते हैं। तो ये हो गया सेल, सिंपल PNL भी आप यहाँ पे देख सकते हैं HDFC में। ओके लेट्स सी, अभी देखिए ये 5 पैसे के आसपास प्रॉफिट हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे अगर क्लोज करना है ना तो यहाँ पे हम क्लोज भी कर सकते हैं, सिंपल यहाँ पे क्लिक करके पार्शियल क्लोज करना है तो ये बटन पे क्लिक करके आप क्वांटिटी डाल सकते हो या फिर क्लोज कर सकते हो यहाँ पे सिंपल। ओके सो हमने इनको सेल किया है, दैट्स मीन अगर ये अपसाइड जाए तो हमारा लॉस होगा ना, तो स्टॉप लॉस मान लीजिए कि इस पॉइंट पे हम स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं 1656 में हम स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं, तो क्या करना होगा? बाइंग करना होगा ना, तो बाइंग में क्लिक करेंगे, बाय ऑर्डर विंडो ओपन हो गया। एंड स्टॉप एंड स्टॉप लिमिट में क्या डिफरेंस है वो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो स्टॉप अगर आप सिलेक्ट करेंगे जस्ट एक प्राइस आपको मेंशन करना होगा, ओनली 156 मान लीजिए ये मैंने दे दिया। एंड अगर लिमिट को सिलेक्ट करेंगे स्टॉप लिमिट, तो आपको एक ट्रिगर प्राइस देना होगा और एक लिमिट प्राइस देना होगा। सो मैं यहाँ पे ओनली एक ही प्राइस मेंशन करता हूँ कि 1656, यानी इस पॉइंट पे आए तो मैं लॉस बुक कर लूंगा क्योंकि अभी मार्केट इज गोइंग अप। वन क्वांटिटी मान लीजिए एंड देन प्लेस्ड, देखिए बाय स्टॉप, यहाँ पे स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस हो चुका है। तो ये चार्ट को देखते हुए ट्रेडिंग व्यू की चार्ट के ऊपर आप ट्रेडिंग कर सकते हो धन के थ्रू, ये धन ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अगर कभी भी इसको मॉडिफाई करना है और नीचे यहाँ पे नज़दीक लेके आता हूँ एंड प्लेस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका मॉडिफाई स्टॉप लॉस ऑर्डर। ओके अगर आपको कभी भी एग्जिट होना है यहाँ पे, ये देखिए क्लोज पोजीशंस एंड क्लोज पोजीशंस बटन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लोज करेंगे तो यहाँ पे भी ध्यान रखें कि क्लोज करना है, क्योंकि स्टॉप लॉस हम जिनके लिए प्लेस किया था वही नहीं है, तो इसका क्या काम है। तो चलिए ये देखिए एग्जीक्यूट हो चुका है, ऑर्डर विंडो यहाँ पे भी आप देख सकते हो एंड ये देखिए एग्जीक्यूट हो चुका है। ओके तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रहे होंगे कि धन के थ्रू ट्रेडिंग व्यू में कैसे आप ट्रेडिंग कर सकते हो। ओके तो लेट मी लॉग इन अगेन, यहाँ पे मैं फिर से एक बार लॉग इन कर लेता हूँ। सो गाइस आइए अब हम बात करेंगे ब्रैकेट एंड कवर ऑर्डर के बारे में। ऑलरेडी हम चार्ट के ऊपर एक साथ स्टॉप लॉस एंड टारगेट ऑर्डर प्लेस करके दिखाया। अब हम मान लीजिए कि यहाँ पे चलिए इंट्राडे स्टॉक्स वॉचलिस्ट ओपन करते हैं, यहाँ पे एक स्टॉक्स को ऐड कर लेते हैं जैसे कि TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। ओके ऐड कर लेते हैं वॉचलिस्ट में लाइक दिस, तो ऐड हो चुका है 3320 इनका प्राइस है। अभी मान लीजिए इनको हम बाई करेंगे इंट्राडे में, ट्रेडिंग सिलेक्टेड है, बाई प्राइस है 3320। आज के दिन ये 34 रुपीज इंक्रीज हुआ है, परसेंटेज वाइज 1.05 कल की क्लोजिंग प्राइस से। ओके सो यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे क्वांटिटी एक ही रहने देते हैं एंड यहाँ पे ऑर्डर टाइप है मार्केट, जो ऑलरेडी हमने देखा मार्केट में जो भी प्राइस चल रहा है उस प्राइस में बाय करने के लिए लिमिट में एक प्राइस मेंशन करना होता है एंट्री के लिए, यानी बाय करने के लिए इनके जो भी प्राइस चल रहे हैं उससे नीचे आप रख सकते हैं। ठीक है, अगर आप ऊपर रखेंगे ना तो जो प्राइस चल रहा है उस प्राइस में बाय हो जाएगा। मतलब अब मान लीजिए 3320 चल रहा है अभी और आप मान लीजिए यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगा दिया 3325,
तो क्या होगा, ये जो भी प्राइस चल रहा है ना 20 के आसपास, उस प्राइस में बाय हो जाएगा, क्योंकि अगर कम पे मिल रहा है तो ज्यादा पे आपको क्यों लेना है, तो ये बाय हो जाएगा। लेकिन आप अगर चाहते हैं कि 25 में एक ब्रेकआउट होने के बाद आप लेंगे, उनके लिए ऑर्डर कैसे प्लेस करें, तो उनके लिए ट्रिगर होता है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा ब्रैकेट एंड कवर ऑर्डर के बाद। तो मार्केट हो गया, लिमिट हो गया, टिगर एंट्री के लिए कैसे लगाते हैं, स्टॉप लॉस के लिए कैसे लगाते हैं, वो तो मैंने दिखाया। एंट्री के लिए जो भी प्राइस चल रहा है उसके अपर प्राइस में बाय करने के लिए टिगर को कैसे लगाते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले कवर ऑर्डर एंड ब्रैकेट ऑर्डर के बारे में जान लेते हैं। कवर ऑर्डर अगर सिलेक्ट करेंगे ना, तो स्टॉप लॉस के साथ आप एंट्री करेंगे। ये देखिए स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस आ गया, जैसे कि 3318, ठीक है, अभी करंट प्राइस है। एंट्री करने के लिए यहाँ पे आपको एक प्राइस देना होगा, ठीक है, कि एंट्री आप कहाँ पे करना चाहते हैं। ओके, अगर आप यहाँ पे ये देखिए क्लिक कर देंगे तो मार्केट सिलेक्ट हो गया, तो मार्केट में जो भी प्राइस चल रहा है उस प्राइस में आप एंट्री करना चाहते हैं। तो ये हो गया एंट्री के लिए पहला जो ऑर्डर है। अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पे एक प्राइस में एंट्री करना है 3315 में एंट्री करना है, तो ये देखिए 15 आ चुका है, यहाँ पे भी डाला या फिर यहाँ पे भी आप डाल सकते हो। तो ये हो गया 15, ये देखिए 16 थोड़ा डाउन आ चुका है, और ये होता है स्टॉप लॉस प्राइस। तो स्टॉप लॉस मान लीजिए 315 में आप एंट्री ले रहे हैं, तो 3308 हमारा स्टॉप लॉस है। तो अगर आप स्टॉप लॉस के साथ एंट्री करना चाहते हैं तो कवर ऑर्डर को इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, कि टारगेट आपका कुछ नहीं है, आपका सिंपल स्टॉप लॉस यानी रिस्क आपका फिक्स्ड है, यहाँ पे 7 पॉइंट का रिस्क लेकर आप एंट्री कर रहे हो। सेंडिंग ऑर्डर टू एक्सचेंज, ये ऑर्डर कहाँ पे दिखेगा, ये ऑर्डर ऑर्डर सेक्शन में पेंडिंग ऑर्डर पे दिखेगा, ये देख सकते हैं एग्जीक्यूट नहीं हुआ है अभी। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस 17 के आसपास है, हमारा लिमिट ऑर्डर कहाँ पे है 15 में। अगर आप मॉडिफाई करना चाहते हैं ना इसके, देखिए एडिट कर सकते हो, ठीक है, यहाँ से आप लिमिट प्राइस को मार्केट में भी कन्वर्ट, और कन्वर्ट नहीं होगा एक्चुअली, आपको प्राइस ही देना होगा। चलिए यहाँ पे 16 दे देता हूँ कि 16 में एंट्री करना चाहूँगा, 15 से 16 हो जाएगा हमारा लिमिट प्राइस, ये देख सकते हैं 16। लेट मी रिफ्रेश, अभी भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, जैसे ही एग्जीक्यूट हो गया ना तो ये स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो इस तरह के ऑर्डर को कवर ऑर्डर कहते हैं। चलिए अभी 17.40 आ गया, तो चलिए इसको थोड़ा ज़्यादा प्राइस दे देते हैं ताकि इंस्टेंट ये 19 आ गया, देखिए। चलिए थोड़ा ज़्यादा प्राइस दे दिया, अब हो जाएगा एग्जीक्यूट। देखिए ऑर्डर मॉडिफाइड सक्सेसफुली, ऑर्डर एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, एग्जीक्यूशन प्राइस 3319। ओके, यहाँ पे आपको सारे दिखेगा कि एग्जीक्यूटेड ऑर्डर जो सक्सेस हुआ है ना, यहाँ पे सक्सेस पे क्लिक कीजिए, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस एग्जीक्यूशन प्राइस ये देख सकते हैं 318.95, लेकिन वहाँ पे हमने 3319 दिया था, 5 पैसा डाउन आके एग्जीक्यूट हुआ है। ओके, अभी LTP क्या है, सेम है, यानी ये देखिए हमारे एंट्री प्राइस से डाउन है, दैट्स मीन लॉसेस चल रहा है। कहाँ पे दिखेंगे, पोजीशंस टैब में, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस 318.95, इसके ऊपर जाते हैं प्रॉफिट, उसके नीचे आते हैं लॉसेस। ओके, ये आज के दिन का टोटल PNL है। ओके, अगर आपको एग्जिट करना है तो एग्जिट आप यहाँ से नहीं कर सकते। अगर आप मान लीजिए इंस्टेंट एग्जिट करना चाहते हैं, आपका स्टॉप लॉस तो ऑलरेडी प्लेस्ड है यहाँ पे, और आप एग्जिट करना चाहते हैं पोजीशन से, तो ये देखिए कैंसिल ऑर्डर कर दीजिए, स्टॉप लॉस ऑर्डर डिलीट करते ही वहाँ से भी आप एग्जिट हो जाएंगे। देखिए पोजीशन से भी आप क्लोज हो चुके हैं। कहाँ पे, सक्सेस में जाइए, ऑर्डर सेक्शन में जाके सक्सेस में जाइए, एंड यहाँ पे आपको दिख जाएगा कहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ है। बाई हमने किया था 3318.95, 3318.60 पे हमने एग्जिट किया, दैट्स मीन 35 पैसा की लॉसेस हुआ है। पोजीशन स्टैब में जाके आप यहाँ पे भी ये देखिए 35 यहाँ पे लॉसेस हुआ है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस में। तो ये होता है कवर ऑर्डर। अब बात करते हैं कि ब्रैकेट ऑर्डर क्या होते हैं। ब्रैकेट ऑर्डर के लिए एक अलग स्टॉक्स ले लेते हैं, वॉच लिस्ट में चलते हैं। स्टॉक्स मान लीजिए SBIN, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, और अभी इनका जो प्राइस है 614, चलिए इनको हम बाई करेंगे एंड कवर ऑर्डर को इस्तेमाल करेंगे। 5 क्वांटिटी, प्राइस क्या लग रहा है, 614 लग रहा है, क्योंकि 5 टाइम्स लिवरेज मिलते हैं ना इंट्राडे में, लेकिन इन्वेस्टिंग करेंगे ना तो देख सकते हैं 3000 समथिंग लग रहा है। तो हम इंट्राडे की ट्रेडिंग करेंगे, और ब्रैकेट एंड कवर ऑर्डर ओनली इंट्राडे के लिए अवेलेबल है। ओके, सो ब्रैकेट ऑर्डर को अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा ना, एंट्री प्राइस तो आपको देना ही होगा कहाँ पे आप एंट्री कर रहे हो। अगर आप मार्केट ऑर्डर सिलेक्ट करेंगे तो मार्केट में जो भी प्राइस चल रहा है, एंड यहाँ पे टारगेट भी आप मेंशन कर सकते हो, स्टॉप लॉस भी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा टारगेट है 614, हमारा एंट्री प्राइस है, एंट्री के लिए हमने मार्केट ऑर्डर सिलेक्ट कर लिया। अगर मैं लिमिट ऑर्डर सिलेक्ट करूँ तो एक प्राइस मेंशन कर सकता हूँ, मैं चाहता हूँ जो भी प्राइस चल रहा है उस प्राइस में बाय कर लूँ, दैट्स व्हाई आई सिलेक्टेड मार्केट ऑर्डर। सो यहाँ पे मान लीजिए हमारा टारगेट है 624 एंड स्टॉप लॉस है 610,
क्योंकि 614 हमारा एंट्री प्राइस हो रहा है, लेकिन आपको इस तरह नहीं देना है। यहाँ पे पॉइंट के हिसाब से आपको देना होगा। 614 अभी है और हम 624 में टारगेट रखना चाहते हैं तो हम 10 पॉइंट देंगे। एंड स्टॉप लॉस मान लीजिए अभी 615 का चल रहा है, मैं 610 में स्टॉप लॉस रखना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पे 5 पॉइंट होगा। ठीक है, समझ में आ गया। आप करते हैं प्लस, तो ये हो जाएगा ऑर्डर प्लेस। इस तरह आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। ओके, तो ये देख सकते हैं एग्जीक्यूट भी हो गया, क्योंकि ये मार्केट ऑर्डर को हमने सिलेक्ट किया था ना, दैट्स व्हाई एंट्री तो हो गया और अभी पेंडिंग में है। ओके, इतने ऑर्डर क्यों आ गया, क्योंकि ये पार्शियली एग्जीक्यूट हुआ है, दैट्स व्हाई इतने सारे ऑर्डर्स दिखा रहा है। लेकिन कुछ ऑर्डर टारगेट के लिए है, कुछ ऑर्डर स्टॉप लॉस के लिए है। ओके, समझ में आ गया। ये जो ट्रिगर करके हैं ये स्टॉप लॉस के हैं एंड ये टारगेट के लिए है। सो हम पोजीशंस टैब में देख सकते हैं कि SBI का परफॉर्मेंस क्या चल रहा है। 614.65 में एंट्री लिए थे, अभी थोड़ा ऊपर चल रहा है, दैट्स व्हाई 50 पैसा 5 क्वांटिटी है, तो ये प्रॉफिट होता हुआ। यहाँ पे पोजीशन से एग्जिट नहीं मिलेगा, जैसे कि मैंने कहा कवर एंड ब्रैकेट ऑर्डर का एग्जिट हमेशा यहाँ पे होगा। जो भी आपका स्टॉप लॉस एंड टारगेट ऑर्डर है उनको आप एग्जिट कर दीजिए, तो जो भी प्राइस है करेंट LTP है उस प्राइस में एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं SBI का एग्जिट कर लिया, 0.50 हमारा प्रॉफिट हो गया। तो ये होता है कवर एंड ब्रैकेट ऑर्डर। तो सारे चीज़ें, सारे ऑर्डर टाइप हमने देख लिया है। अब हम बात करेंगे कि मान लीजिए अभी जो प्राइस चल रहा है, कि स्टॉक्स को ले लेते हैं, टाटा स्टील लिमिटेड NSE का स्टॉक्स, एंड ये मैंने ऐड कर लिया यहाँ पे। ओके, अभी प्राइस चल रहा है यहाँ पे 115। इसके चार्ट ओपन करते हैं सबसे पहले। ये देखिए चार्ट IQ का चार्ट ओपन हो गया है। यहाँ पे क्लिक करके आप ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन कर सकते हो, ट्रेड डायरेक्टली ऑन चार्ट्स यहाँ से क्लिक करके धन प्लस ट्रेडिंग व्यू का चार्ट भी ओपन कर सकते हो। ठीक है, ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन हो गया। मान लीजिए मुझे यहाँ पे बाय नहीं करना है, बाय इस पॉइंट को ब्रेक करने पर हम बाय करेंगे। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल्स है, स्विंग हाई है, इस लेवल्स की ब्रेकआउट हो जाते हैं तो हम परचेस करेंगे। ठीक है, इस लाइन को मैं एक बार मार्क करता हूँ कि 112.80 या 113 में आए तो हम परचेस करेंगे। तो ऑर्डर कैसे प्लेस कर सकता हूँ, सिंपली ये जो प्लस साइन है ना यहाँ पे क्लिक कर दीजिए बाय। लेकिन यहाँ पे क्या करना होगा, स्टॉप लिमिट या ट्रिगर ऑर्डर, स्टॉप लिमिट के थ्रू भी कर सकते हो या ट्रिगर के थ्रू भी। देख सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कैसे करना है। ये देखिए, इस तरह ओपन करना है एंड ट्रिगर पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए ट्रिगर एक प्राइस दे दीजिए कि 112.90। इस प्राइस को टच करने पर हमारा ऑर्डर एक्टिवेट हो जाएगा, इसको ट्रिगर प्रेसिंग कहते हैं। ओके, जैसे ही इसको टच करेगा प्राइस, हमारा ऑर्डर एक्टिवेट होंगे। एंड एक्टिवेट के बाद आप क्या चाहते हैं, लिमिट प्राइस एक प्राइस मेंशन करना चाहते हैं, या उस टाइम जो भी प्राइस चलेगा, जिस प्राइस में सेलर्स अवेलेबल होंगे उस प्राइस में आप बाय करना चाहते हैं। इसको टच करने के बाद उस टाइम सेलर जिस प्राइस में अवेलेबल होंगे उस प्राइस में बाय करना चाहता हूं, तो इसलिए मार्केट को सिलेक्ट कर लिया। तो चलिए इनको कर देते हैं बाय। तो ये देख सकते हैं ऑर्डर प्लेस्ड हो गया है एंड ये पेंडिंग में है। तो एक चीज है कि अगर आपको अपर में बाय करना है, कैसे ऑर्डर प्लेस करके रख सकते हो, आप हार्ड टाइम चेक नहीं कर सकते, आप अलग प्रोफेशन में हैं, तो इस तरह आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो कि मुझे अभी नहीं खरीदना है, इस लेवल को ब्रेक करने पर ही खरीदना है। तो इस तरह भी आप ऑर्डर लगा सकते हो जो ट्रिगर ऑर्डर। गाइस, मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, ट्रिगर, कवर, बैकेट ऑर्डर के अलावा और दो इंपॉर्टेंट ऑर्डर टाइप है जो आपको धन की प्लेटफॉर्म में मिल जाते हैं, वो है ये दो ऑर्डर के बारे में भी मैं आपको दिखाऊंगा, बास्केट ऑर्डर एंड फॉरओवर ऑर्डर। क्योंकि आप अगर ट्रेडर हैं, ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ के बारे में जानना जरूरी है, अदरवाइज आप सही टाइम पर ऑर्डर प्लेसमेंट नहीं कर पाएंगे एंड सही ऑर्डर टाइप सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो फॉरओवर ऑर्डर क्या होते हैं, मान लीजिए ICICI बैंक है, इसका चार्ट मैं ओपन करता हूँ कि अभी आपको नहीं बाय करना है। अभी मान लीजिए ये थोड़ा अपर प्राइस में चल रहा है, ठीक है, ये ओवरसोल्ड कंडीशन में है, तो मुझे इस टाइम बाय नहीं करना है, मैं इनको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस पॉइंट पे आ जाए। ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो जोन है सपोर्ट जोन है, इस पॉइंट के आसपास अगर आ जाए तो मैं प्रॉफिट बुक कर लूंगा। इसका लेवल्स है 926 या 928 के आसपास अगर आ जाए तो मैं यहाँ पे पोजीशंस बनाऊंगा, चाहे मैं इसमें लॉग इन रहूं या ना रहूं। एक बार मैंने यहाँ पे पोजीशंस बना के रख दिया कि मान लीजिए कि कल अगर यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे एंट्री हो जाए, जैसे ही यहाँ पे आए तो हमारा एंट्री बन जाएगा। तो ऐसा अगर आप चाहते हैं तो ये फॉरएवर ऑर्डर का इस्तेमाल कर सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्डर टाइप है, इसको जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए कैसे प्लेस करते हैं, सिंपल ऑर्डर सेक्शन में जाना है एंड यहाँ पे
फॉरएवर को सिलेक्ट करके आपको क्या करना है, स्टार्ट फॉरएवर ऑर्डर। कौन सी स्टॉक में आपको करना है वो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक में करना चाहता हूँ, ये देख सकते हैं फॉरएवर। जैसे सिलेक्ट करेंगे क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए जस्ट आपको दिखाने के लिए एक क्वांटिटी मैं यहाँ पे सिलेक्ट किया। ओके, कौन सी प्राइस में करना चाहते हैं वो प्राइस आपको यहाँ पे देना होगा, या फिर आप मार्केट भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, ट्रिगर प्राइस देना होगा। मान लीजिए ट्रिगर प्राइस मैं देता हूँ 9 to 6 के आसपास मैं परचेस करूंगा, सो 9 to 7 हमारा ट्रिगर प्राइस है। एंड लिमिट प्राइस यानी हम परचेस करेंगे 9 to 6.5। हमेशा जो भी करंट प्राइस है ना वो ट्रिगर को पहले टच करेगा, ठीक है। तो ट्रिगर प्राइस 9 to 7, तो जैसे ये थोड़ा डाउन आएगा तो इसको पहले टच करेगा एंड देन हमारा लिमिट प्राइस को। आप अगर ये लिमिट प्राइस नहीं देना चाहते हैं, जैसे ये टच करे ट्रिगर को इंस्टेंट बाय हो जाए तो आप मार्केट को सिलेक्ट कर लीजिए, तो यहाँ पे लिमिट प्राइस की देने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही टच करेगा जिस प्राइस में अवेलेबल होंगे उस प्राइस में बाय हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रही होंगे। तो मैंने यहाँ पे मार्केट को सिलेक्ट कर लिया एंड सेट फॉरएवर ऑर्डर यहाँ पे मैंने प्लेस कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया सिंगल ऑर्डर, इनको आपको कुछ नहीं करना है। आपके पास मनी होना चाहिए कि एक क्वांटिटी के लिए 900 समथिंग जो वैल्यू है इनका, ठीक है। तो ये डिलीवरी है, देख सकते हैं। तो कभी भी अगर इस लेवल को टच करे तो यहाँ पे आ जाएगा। मान लीजिए मुझे और एक प्लेस करना है गेल पे, एनएससी का फॉरएवर प्राइस है 92। मान लीजिए मुझे इसका 5 क्वांटिटी खरीदना है, लेकिन अभी नहीं, जो अभी 82 के आसपास है, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है 82 के आसपास है, तो अब मैं परचेस करूंगा, ठीक है। तो ये डाल दीजिए एंड सेट फॉरएवर ऑर्डर। ओके, तो इस तरह आप फॉरएवर ऑर्डर को इस्तेमाल कर सकते हो धन की ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में। सो चलिए, ये होता है फॉरएवर ऑर्डर, आप लोगों के लिए मैंने ये भी दिखा दिया। तो चलिए, मुझे अभी इसको बाय नहीं करना है, इसको मैं जस्ट डिलीट कर देता हूँ, कैंसिल कर देता हूँ, लाइक दिस वे। सो इस तरह आप भी कैंसिल कर सकते हो। सो अब आइए हम बात करेंगे बास्केट ऑर्डर के बारे में। बास्केट मतलब एक बास्केट में अलग अलग स्क्रिप्ट को रख के एक साथ आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आप होल्डिंग के लिए, होल्डिंग यानी डिलीवरी के लिए कुछ शेयर खरीदना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, और आप मान लीजिए शॉपिंग कर रहे हो, तो एक बास्केट का नाम दे दीजिए। मान लीजिए होल्डिंग 5 years, ऐसे आप नाम दे दिए एक बास्केट का। ओके, और कुछ स्टॉक्स को आपको खरीदना है एक साथ, यहाँ पे मान लीजिए एक सेक्टर का रिलायंस खरीदना है। ओके, अभी आपको एग्जीक्यूट नहीं करना, जस्ट आप ऐड कर रहे हो यहाँ पे, कितना यहाँ पे मार्केट दे दीजिए एंड 1 quantity एंड ऐड टू बास्केट, तो यहाँ पे रिलायंस आ गया। मान लीजिए बैंकिंग से ICICI खरीदना है, तो सिंपल 1 quantity या 2 quantity, मान लीजिए 2 quantity खरीदना है तो मार्केट प्राइस में ही खरीदना है, लिमिट में नहीं। ये देखिए ICICI। उसके बाद मान लीजिए फार्मा से डॉक्टर रेड्डी मुझे खरीदना है, तो सबसे पहले क्या है ना, यहाँ पे इस तरह आप एक बास्केट में आप रख के एक साथ एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो यहाँ पे कितना फंड्स की जरूरत पड़ रहा है, 1792, और एग्जीक्यूट ऑल ऑर्डर्स क्लिक करते ही ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसको कहते हैं बास्केट ऑर्डर, एक बास्केट में रख के एग्जीक्यूट करना, ठीक है। इनका जो फायदा है ना, आप अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं कुछ स्प्रेड बना के, कुछ स्ट्रैटेजी बना के, तो अब इसका अच्छे से यूटिलाइज हो पाता है। लेट मी शो यू। मान लीजिए हम एक स्प्रेड बनाएंगे बैंक निफ्टी का, यहां से बुल पुट स्प्रेड बनाएंगे, तो कैसे, तो चलिए एक नाम दे देते हैं, बुल पुट बैंक निफ्टी, एक बास्केट का नाम दे दिया। ओके, इसको ओपन करेंगे क्लिक करके। बुल पुट स्प्रेड कब होता है कि हम एट द मनी पुट को शॉर्ट करेंगे एंड आउट ऑफ द मनी पुट को बाय करेंगे। अभी एट द मनी क्या है, 43,960 है, तो 68-70 के आसपास है, सो 44,000 एट द मनी, 44,000 फुट, ये पुट स्प्रेड है। पुट को हम क्या करेंगे, सेल करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम बुल है, पॉजिटिव है। देखिए यहाँ पे मैं आपको कोई स्ट्रैटेजी नहीं सिखा रहा हूँ, जस्ट कैसे स्ट्रैटेजी को यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ओके, तो ये देखिए मार्केट ऑर्डर ही सिलेक्ट करेंगे 1 lot एंड सेल करने के लिए कितना अमाउंट लग रहा है, 152,000 के आसपास लग रहा है। लेकिन यहाँ पे हम स्प्रेड बनाएंगे, स्प्रेड बनाने के लिए यहाँ पे क्या करना है, हम OTM मनी 43,500 पुट हम कर लेंगे परचेस, ठीक है, परचेस मार्केट ऑर्डर। एंड अभी क्या मार्जिन लग रहा है, 1,53,000 के आसपास मार्जिन दिखा रहा था, लेकिन अभी 34 में हो जाएगा। तो इस तरह आप बास्केट ऑर्डर के थ्रू एक स्ट्रैटेजी बना के एक साथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जीक्यूट ऑल ऑर्डर्स पे क्लिक करेंगे तो एक साथ ये दोनों एग्जीक्यूट हो जाएंगे, तो इसको कहते हैं बास्केट ऑर्डर। ओके,
तो अभी मैं इसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहा हूँ, कभी भी इसको डिलीट करना है तो यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हो लाइक दिस। एंड अगर यहाँ पे व्यू बास्केट पे क्लिक करके देख सकते हैं, अगर चेंज करना है, मॉडिफाई करना है कि क्वांटिटी बढ़ाना है या लिमिट ऑर्डर लगाना है, वो भी आप कर सकते हो। सो इस तरह आप बास्केट ऑर्डर लगा सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। तो नेक्स्ट डे पे हम ये जो पोजीशंस है इसको हम एग्जिट करेंगे, ठीक है। और डीमेट में जाने दीजिए, मैं दो दिन के बाद इनको एग्जिट करके दिखाऊंगा डीमेट से कैसे सेल करना है। देन हम फंड्स को विदड्रॉ करके फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट टू बैंक अकाउंट कैसे लेके जाना है विदड्रॉ करके इस वीडियो को खत्म करेंगे। वीडियो इसको लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक अकाउंट ओपन नहीं किया है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है जिनके थ्रू आप आसानी से अकाउंट ओपन कर सकते हो। सो गाइस, ऑलमोस्ट आफ्टर वन वीक मैं यहाँ पे जो होल्डिंग शेयर खरीदा था पंजाब नेशनल बैंक का, वन शेयर जो हमने खरीदे थे उनको हम स्क्वायर अप करने वाले हैं, सेल करने वाले हैं। जो डिलीवरी मोड पे हमने खरीदे थे वो कहाँ पे दिखेगा, देखिए होम सेक्शन में अगर आप क्लिक करेंगे तो इन्वेस्टमेंट हमने किया था 58.70 पे बाय किया था, एंड अभी इसका जो प्राइस है 53.80, दैट्स मीन जो भी हमारा बाइंग प्राइस था उससे डाउन चल रहा है करंट प्राइस। सो दैट्स व्हाई 4.95 हमारा ये लॉसेस है। ओके, आज के दिन के जो लॉसेस है वो 0.40, यानी प्रीवियस डे क्लोजिंग से आज यहाँ पे 40 पैसा डाउन चल रहा है। ओके, तो सेल हम कहाँ से कर सकता है? सेल करने के लिए सिंपल यहाँ पे पोर्टफोलियो में जाना होगा, पोजीशंस में नहीं, ठीक है, पोर्टफोलियो में। पोर्टफोलियो में दिख रहा है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अमाउंट, और देखिए स्क्रिप्ट दिख रहा है यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक क्वांटिटी वन, एवरेज प्राइस यानी बाइंग प्राइस था हमारा 50.70, लास्ट ट्रेडेड 53.80, इन्वेस्टमेंट एंड करंट वैल्यू, प्रॉफिट एंड लॉस एंड परसेंटेज वाइज प्रॉफिट एंड लॉस। होल्डिंग शेयर को सेल कैसे करें, तो सेल करने के लिए सिंपल यहाँ पे वेरीफाई होल्डिंग्स विद CDSL टिप इन टू सेल। सबसे पहले CDSL टिप इन के थ्रू वेरीफाई करना पड़ेगा सेल करने के लिए, तो यहाँ पे गो बटन पे क्लिक कीजिए एंड जनरेट न्यू टिप इन, क्योंकि आपको पता नहीं है टिप इन क्या है, अगर आपको पता है तो फाइन, अदरवाइज यहाँ पे जनरेट न्यू टिप इन बटन पे क्लिक कीजिए। सक्सेसफुली सेंड रिक्वेस्ट फॉर बायो टिप इन, सो यहाँ पे देखिए पिन जनरेटेड क्लिक कीजिए, ये देखिए टिप इन। इस पिन को भी किसी को नहीं दिखाना है, ठीक है, इसलिए मैंने हाइड करके रखा, इस पिन को नहीं दिखाना है। तो चलिए मैंने यहाँ पे ट्रांसफर टू CDSL फॉर अप्रूवल बटन पे क्लिक करते हैं, क्योंकि टिपिन हमको मिल चुका है, तो इंटर टिपिन, यहाँ पे टिपिन डालना है जो आपको मिले हैं एंड वेरीफाई। यहाँ पे देख सकते हैं पंजाब नेशनल बैंक वन क्वांटिटी, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे एक ओटीपी जाएगा। तो चलिए मुझे मोबाइल नंबर पे ओटीपी मिल चुके हैं, तो इस ओटीपी को डाल देते हैं, तो ओटीपी मैंने डाल दिया, तो चलिए वेरीफाई करते हैं। तो ओशम योर ईडिस इज कम्प्लीटेड, यू कैन क्लोज दिस पेज। ओके, तो सिंपली मैं यहाँ पे क्लोज कर देना चाहूँगा, और यहाँ पे अब मैं सेल करने वाला हूँ। कैसे सेल करना है, सेल बटन पे क्लिक करना है, इन्वेस्टिंग प्राइस, लिमिट प्राइस, अगर आप एक प्राइस मेंशन करके सेल करना चाहते तो ओके, अदरवाइज मार्केट को सिलेक्ट कर लीजिए, मार्केट में जो भी प्राइस चल रहा है उस प्राइस में सेल हो जाए इंस्टेंट। चलिए सेल, और ये हो गया ऑर्डर एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, तो ऑर्डर बुक में हमको मिल जाएगा और सेलिंग प्राइस, क्या प्राइस में हमने सेल किया, 53.75। उसके बाद अगर ये पोजीशंस में कुछ भी दिखे इसको इग्नोर कीजिए, क्योंकि ये टुडेज एक्टिविटी है, आज हमने सेल किया है तो इसलिए यहाँ पे PNL दिखा रहे हैं, आपको इसको इग्नोर करना है, क्योंकि आपके पास स्टॉक था वो आपने सेल किया है, तो आज की पोजीशंस में जो भी यहाँ पे दिख रहा है इसको आप इग्नोर कीजिए। ओके, सिंपली जिस प्राइस में हमने सेल किया वो आपका सेलिंग प्राइस है, और 58 में हमने कुछ दिन पहले बाय किया था वो बाइंग प्राइस है, उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर सकते हो। सो गाइस, इस तरह आप डिलीवरी शेयर को सेल कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगे होंगे, कुछ भी क्वेरीज है फील फ्री टू आस्क ऑन कमेंट सेक्शन, और किसी भी ब्रोकर के अकाउंट ओपनिंग लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जरूर चेकआउट करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।